गाइस, तो आज एकदम इजी हेयर स्टाइल सीखने वाले हम लोग, जो आप लोग बहुत जल्दी से अपने ब्राइड्स पे, साइडर्स पे, जिस पे भी करना चाहते हो कर सकते हो। बहुत ही इजी हेयर स्टाइल। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी हेयर स्टाइल में ईयर टू ईयर सेक्शन लेना है, राइट? तो ईयर टू ईयर के लिए मिडिल पार्टीशन लेके 3 इंच का ईयर टू ईयर लेना है, ठीक है? 3 इंच, इतना 3 इंच का मिडिल पार्टीशन ले लो। हमने ईयर टू ईयर सेक्शन एक ले लिया है, ईयर टू ईयर सेक्शन लेके लॉक कर देना है। दोनों साइड में ईयर टू ईयर सेक्शंस हमने लॉक किए हैं। बस आपको ये फ्रंट ईयर टू ईयर और क्राउन सेक्शन थोड़ा सा क्रिम्प करना होगा, क्योंकि हम लोग थोड़े से लाइंस टेक्सचर क्रिएट करने वाले हैं, तो इसलिए वहाँ पे बस थोड़ा सा आपको काम करना होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्राउन सेक्शन 3 इंच का, ये क्राउन सेक्शन जो है, मतलब यहाँ पे देखो ईयर टू ईयर खत्म हो गया है, यहाँ के इसके बाद वापस 3 इंच का एक क्राउन सेक्शन ले लेंगे, से यहां तक 3 इंच का सेक्शन। ऐसे आपको क्राउन सेक्शन लेना, मतलब यहां पे ब्रॉड है, यहां पे पतला होगा ये सेक्शन। क्यों? क्योंकि अपना हेड जो है वो नीचे कानों के यहाँ पे पतला होता है, मतलब यहाँ का जो एरिया है गाइज, ये एरिया ये पतला है, और यहाँ का जो एरिया है वो ब्रॉड है, इसलिए यहाँ पे ब्रॉड होगा और यहाँ पे पतला होगा, ठीक है? अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं और एक पफ क्रिएट करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा 90 डिग्री में पकड़ना है और बैक में, ठीक है? ये अभी हो गया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्राउन सेक्शन में जो सेक्शंस किए हैं, राइट, उसमें से थोड़े थोड़े सेक्शंस इसमें ऐड करते जाएंगे पफ। तो ये मोस्टली हमने जो लास्ट हेयर स्टाइल किया था उसमें भी ऐसा ही किया था, राइट? तो आपको वो याद रहेगा। ये जो टेक्निक है गाइज, ये चेंज नहीं होती है, ये आपको हमेशा ऐसे ही करना होगा। हमेशा यहाँ पे पफ क्रिएट करने के लिए आपको यही सेक्शन करना, मतलब यही करना है। क्राउन में डिवाइड, पीछे एक पफ बना लो और फिर यहाँ के बाल ले लो और इसके ऊपर अभी ऐड करते जाओ। बाल ले लो, बैक कॉमिंग, और यहाँ पे सबको हमको यहाँ पे होल्ड करके रखना है। ये अपना बेस है, तो ये अपना बेस है, ठीक है? और अभी इसको, तो ये इतने बाल अभी बच्चे हैं, इस पे हम लोग लाइंस क्रिएट करने वाले हैं, तो जितना भी ये बेस बन गया है ना, उसको हम लोग पहले सेट कर लेते हैं। ये बेस है, ये होल्ड करके रख दिया। अभी जो बाकी के बाल है इसको लेते हैं और इस पे हमको करने हैं लाइंस क्रिएट, और इसको यहाँ पे रखना है आपको, जहाँ पे आपको लाइंस क्रिएट करना है वहाँ पे रखो और स्प्रेड करो थोड़ा सा। जैसे आप स्प्रेड करोगे वैसे आप लोग लाइंस क्रिएट कर सकते हो, ये अभी आपको टेक्निक पता है, राइट? फिर यहाँ पे मैंने उसको लॉक कर दिया है नीचे यूपिन से, और अभी हम लोग लाइंस क्रिएट करेंगे। सिर्फ आपको जहाँ से लेना है ना, देखो क्या किया, ये बालों को लिया है, ये साइड में बाद में हम लोग सेट करेंगे। शाइन स्प्रे के बाद जीकोम के बाद थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करो, यहाँ पे ट्विस्ट करके स्प्रेड हो गया, स्प्रेड करके यहाँ पे रखो। ये है आपके, ये आपको यूपिन से होल्ड करना है यहाँ पे, और फिर आपको अभी लाइंस क्रिएट करने हैं। देखो, खींचो बस बालों को ऊपर, ऐसे ऊपर का जो लेयर है ना बालों को, उसको बस थोड़ा सा खींचना है ऊपर की तरफ। ऐसे बस, ऐसे लाइंस आपको बनाने हैं। अभी आपको क्या करना है, उसके बाद क्यून स्प्रे करना है। क्यून स्प्रे किया, थोड़ा सा उसको शार्प करो, जितना शार्प करना है लाइन उतना आपको क्यूम स्प्रे करना, लाइंस को क्रिएट। हमेशा याद रखो, लाइंस बनाते वक्त खींचना है बालों को, और जब भी हमको ऐसे ये करना है, क्यूम से सेट कर रहे, शार्प कर रहे ना, तभी खींचना नहीं है बालों को, बस ऐसे आपका ऐसे लॉक रहेगा और जस्ट ऐसे आपको बालों को ऐसे बस ऐसे लेके जाना है, पास करना है, दैट्स इट। देखो ऐसे,
क्यून क्या है, क्यून में ग्लू है, तो जैसे ही आप लोग ऐसे निकालने की कोशिश करोगे हाथों को ऊपर की तरफ, तो बाल निकल जाएंगे आपके, तो अच्छा नहीं लगेगा। जीकोम में लो, थोड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट किया है यहाँ पे, ट्विस्ट करके थोड़ा सा स्प्रेड करना है आपको। स्प्रेडिंग हो गया, स्प्रेडिंग होने के बाद यहाँ पे आपको बस यू पिन से होल्ड करना है बालों को, होल्ड कर लो और होल्ड करके पुल करेंगे बालों को भी। रखना है बाल बहुत ड्राई होने चाहिए, बाल बहुत सिल्की है तो नहीं होगा हेयर स्टाइल, ड्राई करना होगा आपको बालों को, तो ड्राई करने के लिए आपको क्रिम्पिंग करना होगा। अभी हमको ये वाला लेना है, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो बाल बचे हैं वो यहाँ पे आएगा, इस पर भी थोड़े से लाइंस क्रिएट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे ये पूरा लॉक कर देंगे और फिर फ्रंट में थोड़ा वेरिएशन करके मैं आपको पीछे का दिखाती हूँ, ठीक है। इस पर हमको शाइन स्प्रे करना है पहले जी कॉम से कॉम या फोर कॉम से, यहाँ पे रखो, यहाँ पे लेके आओ इसको, ऐसे लेके आके स्प्रेड। तो ये पूरा हमने एक कर दिया है, यहाँ पे पूरे लाइंस क्रिएट कर लिए हैं, अभी फ्रंट में एक वेरिएशन करेंगे जल्दी से। आपके बालों पे हमने क्या किया था, यहाँ पे मिडिल पार्टीशन ऐसे बाल थे राइट, तो उसमें हम लोगों ने अभी ये बॉक्स सेक्शन निकाला है, बॉक्स सेक्शन निकाल के आपको इसको कॉम करना है अच्छे से। तो ये कैसे आएगा, अभी ये यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे पीछे, और ये जो बाल है ये इसके ऊपर ऐसे ऐसे आएगा, यू पिन के हेल्प से यहाँ पे सेट कर दीजिए, सेट थोड़ा सा स्प्रेड, यू पिन से उसको होल्ड करना है और फिर यहाँ पे हमें थोड़े से लाइंस, सिर्फ ऊपर का ही एक लेयर आपका बस थोड़ा सा पुल किया है, यहाँ पे भी सेम करेंगे, थोड़ा ये करेंगे, थोड़ा सा शाइन स्प्रे, इसको शार्प करने के लिए बस खींचना है, ठीक है। जैसा भी लाइन क्रिएट किया है वैसे आप लोग यहाँ पे भी लाइन क्रिएट कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है, यहाँ पे थोड़े से पतले किए पर थोड़ा सा थिक होता है ना तो अच्छा दिखता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है राइट, इनसे सेट कर, तो आप देख सकते हो कितने प्यारे लाइन्स आए हैं। ऊपर का ही लेयर आपको बस थोड़ा सा पुल करना है, ऊपर का लेयर पुल करो ऐसे, क्यों से सेट करो उसको। तो क्या किया मैंने, अभी दो सेक्शंस में डिवाइड कर लो, दो सेक्शन में डिवाइड करके एक नॉर्मल ब्रेड बनाना है आपको। नहीं पता है गाइस, आपको जितना चाहिए उतना आप लोग लाइंस क्रिएट कर सकते हो, जैसे चाहिए आप लोग कर सकते हो हेयर स्टाइल, आपको भी पता है आपको क्या करना है कैसे करना है। अभी एक ब्रेड डालने के बाद आपको क्या करना है, दोनों को क्रॉस किया ऊपर यहाँ पे, ठीक है। आप लोग ब्रोच लगाना चाहते हो ब्रोच लगाओ, अगर आप लोग सिर्फ फ्लावर्स लगाना चाहते हो तो फ्लावर्स लगाओ, वन साइड फ्लावर लगाना चाहते हो तो वैसे कर सकते हो। तो आई होप आपको ये हेयर स्टाइल अच्छा लगा होगा, इजी लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना गाइस, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।